चलाओ। तो प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले एक्टिव वॉइस में जानते होंगे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस यस या यस। अच्छा यस और यस तभी यूज करेंगे जब सब्जेक्ट एक वचन होगा और उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट होता है। अच्छा पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का तीसरा रूप तब बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा इसमें डज नॉट डू नॉट आएगा तभी आप यूज कर सकते हो। देखो सब बच्चे लोग जितने बैठे हैं आप जरूर एक बात सोचिएगा कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका निष्कर्ष निकालिएगा और जो भी पढ़ाई आपकी हो रही है आप प्रयास करिए कि इसको आज ही सीख जाए, ठीक है। अब तो आपका पढ़ाई से नाता ही टूट गया क्योंकि कल स्कूल चलता था, कुछ आते थे बैठते थे, विमान से ही देखते थे लेकिन देखते थे आप तो आपका हाँ चालू हो गया क्या, चालू हो गया, चालू हो गया कैसे, हाँ चलो ऑब्जेक्ट प्लस ई जा रहे हैं प्लस बारह का तीसरा प्लस बाई तो कह दिया कोई कि मैं किताब, अब तो हिंदी छोड़ दो अंग्रेजी में डायरेक्टली पढ़ो कि आई रीड द बुक, आई रीड द बुक। अच्छा देखो आई अनु तो आई जब होगा तो इसमें रीड में आप यस नहीं लगाएंगे, आई रीड द बुक। तो जब आप इसको बनाएंगे किसमें पैसे वाइज में तो क्या लिखेंगे द बुक, द बुक रीड बाई मी, आई किसमें चेंज हो जाएगा मी, लगा है द बुक इज रीड बाई मी, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट बना लो पैसे में, द क्रिकेट इज प्लेड बाई यू, क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। तीसरा आ जाओ ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, तो बना लोगे सब लोग पैसे में बनाना होगा तो होगा हिज होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है बाबू इज होमवर्क, तब लिखाएगा इज नॉट कंप्लीटेड होगा ईडी जोड़ देंगे कंप्लीटेड बाई हिम, हिज होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाई हिम। चौथा ही डज नॉट ईट द मैंगो, ऑब्जेक्ट मैंगो है ना, जब पैसे में बनाएंगे क्या लिखेंगे द मैंगो इज नॉट ईटन बाई हिम फुल स्टॉप। तो बन जाएगा बहुत आसान है, बस इसमें करना कुछ नहीं है कि पहले आपको क्या लिखना है ऑब्जेक्ट तब आप ई जा रहे हैं उनका प्रयोग करके। याद रखना डू और डज का प्रयोग हम लोग कभी भी